लेखक परिचय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका रघुवंश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिव पूजन सहाय के जीवन परिचय को देखेंगे। शिव पूजन सहाय बिहार के रहने वाले थे। उनका जन्म 1893 ईस्वी में बक्सर जिले के उनवास में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। दसवीं परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस कोर्ट में नकल नवीस के रूप में कार्य किया। दोस्तों, नकल नवीस कोर्ट का एक पद होता है जिसमें कि कर्मी केसेस के कॉपीज को लिखते हैं। इसे इंग्लिश में कॉपी राइटर भी कहते हैं। बाद में उन्होंने हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य किया। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के बहुत ही प्रतिष्ठित और लोकप्रिय लेखक थे। दोस्तों, शिव पूजन सहाय की मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। अपने जीवन काल में शिव पूजन सहाय ने हिमालय, जागरण, माधुरी, बालक सहित कई अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। दोस्तों, शिव पूजन सहाय मतवाला, जो कि एक प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका थी, के संपादक मंडल में भी सक्रिय रहे। जीवन में व्यस्तता के कारण वे सिर्फ एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया की ही रचना कर सके। तो दोस्तों, चलिए एक नज़र देहाती दुनिया पर भी डाल लेते हैं। यह शिव पूजन सहाय द्वारा रचित एकमात्र उपन्यास है। इस उपन्यास में कवि ने ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारा है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। दोस्तों, जब किसी क्षेत्र विशेष को केंद्र बनाकर किसी उपन्यास की रचना की जाती है तो उन्हीं उपन्यासों को हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। कहानी का प्लॉट, मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर हिंदी तथा साहित्य की श्रीवृद्धि करने में शिव पूजन सहाय का भी बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, यहाँ पर श्रीवृद्धि का मतलब विकास होता है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, बिंब प्रतिम्ब इत्यादि। उनकी रचनाओं का प्रकाशन आए दिनों कई पत्रिकाओं में भी हुआ है। उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में प्रकाशित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।